आज हम क्लास फोर्थ का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। पाठ का नाम है, पाठ है 17, जिसका नाम है स्वस्थ रहो। बच्चों, हमारे जीवन में शरीर ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। क्योंकि बच्चों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का, मस्तिष्क का विकास होता है। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम कोई भी कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता, कमजोर रहता है, तो हम कोई भी काम करने में असमर्थ होते हैं। तो बच्चों, आज हम इसी के बारे में किताब के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम जानेंगे, हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों से कार्य करते हैं। विभिन्न कार्य करने के लिए भगवान ने हमें हाथ दिए हैं। बच्चों, ईश्वर का ही सब देन है, ईश्वर ने सब कुछ दिया। इस पृथ्वी पे मनुष्य के द्वारा कोई कार्य नहीं होता सिवाय ईश्वर के। ईश्वर ने हमें पाँव दिया, जो इधर उधर हिलाने के लिए, कार्य करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए काम आता है। और उनकी सहायता से हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। इसी प्रकार देखने के लिए हमें ईश्वर ने आँख दिया। बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आँख। आँख से हम पूरे संसार को देख सकते हैं। और आँख जिसका नहीं है, बच्चों, उनसे आप जाके पूछेंगे कि उन्हें कितना तकलीफ़ होता है कि इस सुंदर दुनिया को देखने के लिए आँख वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुनने के लिए ईश्वर ने हमें कान दिया। बच्चों, कान जो है हमें हर चीज़ सुनने के लिए है, अच्छा बुरा सब कुछ सुनते हैं इसी कान से। क्योंकि कान से ही हम किसी की आवाज़, कोई हमें बुलाए तो अगर हमारे पास कान ना हो तो हम सुन ही नहीं सकते, जैसे मानो कोई हमें बुला ही नहीं रहा हो। इसलिए कान जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सूंघने के लिए नाक, बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, नाक। अगर हमारे पास नाक ना होता तो हम कोई भी चीज़ जो हमारे खाने योग्य है वो हम खा लेते। लेकिन हम पहले सूंघते हैं, जो चीज़ हमने कभी देखा नहीं, पहली बार जो देखते हैं तो पहले सूंघते हैं कि उसकी सुगंध कैसी है। अगर अच्छी लगती है तो हम उसको खाते हैं, अगर अच्छी नहीं लगे तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो बच्चों, कान भी हमारे लिए विशेष महत्व है। और चखने के लिए जीभ बनाई गई है। बच्चों, जीभ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पेट में जाता है। जीभ जो है हमें स्वाद का बताता है कि स्वाद कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और हमारा जो जीभ है स्वाद के अनुसार ही हमें उसका अनुभव कराता है। मुख से हम खाते हैं। बच्चों, जो जीभ जो होता है वो मुख के अंदर होता है। मुख में हमारी जो दांतें होती हैं उनसे हम चबा चबा के खाते हैं। और जीभ जो है, जीभ इधर उधर डुला डुला के उसको अच्छे से भोजन को कंप्लीट करते हैं। पीते और बोलते हैं। बच्चों, मुख जो है वेरी इंपॉर्टेंट, मुख से हम किसी को अपना भी बना लेंगे और किसी को अपना दुश्मन भी बना लेंगे। इसलिए मुख से हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए। तो मुख हमारा खाते पीते साथ साथ हम बोलते भी हैं। मुख हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इन सभी अंगों का स्वामी है शरीर। बच्चों, सबका स्वामी शरीर है, वो मालूम है। बच्चों, शरीर में ही सारे अंग हैं, जिसका पिता भी बोल सकते हैं, उसके अंडर में सारे कार्य होते हैं। अर्थात सब प्रकार के धर्मों, कर्तव्यों को निभाने का साधन एकमात्र यह शरीर ही है। बच्चों, तो संस्कृत में एक सूक्ति भी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बच्चों, शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिसे सभी धर्मों को, सभी कर्तव्यों को हम पूरा करते हैं, निभाते हैं। सच तो यह है कि भगवान ने शरीर को एक संपूर्ण यंत्र के रूप में बनाया है। बुद्धि की इच्छा शक्ति के आधार पर कार्य करता है। बच्चों, बुद्धि जो होती है वो हमारी इच्छा, यानी हमारी जो मन करता है, हम उस पर निर्भर रहते हैं। मन और बुद्धि का आदेश आया नहीं कि शरीर कार्य करने लगता है। बच्चों, जो हम सोचते हैं चलो आज किसी के यहाँ चले, तो सीधे हमारा पैर उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि मेरा मन किया। इसलिए बच्चों, तो मशीन कोई और कैसी भी हो, यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी देखभाल करनी चाहिए। बच्चों, आपके घर में कोई भी मशीन, अगर उसको आप देखभाल नहीं करते हैं तो वो जंग पकड़ लेगा और वो बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें समय समय पे उसका ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार मशीन का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार हमारा ये शरीर है वो भी एक मशीन की तरह है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। उसकी सफाई करनी चाहिए,
तेल आदि डालना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य है कि हमेशा समय समय पे उसका ध्यान रखते रहें। सही कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसमें पानी तेल तो चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार शरीर रूपी यंत्र को न केवल सफाई बल्कि व्यायाम आदि भी आवश्यकता है। बच्चों, हमारा ये जो शरीर है ये पांच तत्वों से मिलकर बना है, जिसका ख्याल हमें स्वयं रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर है तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। इसलिए समय समय पे हमें व्यायाम करना चाहिए, समय से उठना चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए और समय से पढ़ना भी चाहिए, समय से खेलना भी चाहिए। तो आगे देखेंगे बच्चों, जिससे उसके सभी अंग भली प्रकार अपने अपने कार्य का संचालन कर सके। यही नहीं, यह भी आवश्यक है कि आप उस मशीन को उपयोग में अवश्य लें। अगर आपके घर में कोई भी मशीन है, आप उसको वैसे ही यूज़ नहीं करते तो आप उसको छोड़ देते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब उसका काम आता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो अच्छे से चलता नहीं है। कारण ये है कि आपने उसको समय समय पर ध्यान नहीं दिया और वो जंग पकड़ लेता है, इसलिए चलने में कठिनाई होती है। यदि कोई अपना स्कूटर दो वर्ष तक केवल खड़ा रहने दे तो उसे उपयोग में न लाए तो वह केवल ढांचा बनकर रह जाएगा। उसके कल पुर्जे काम नहीं करेंगे, वो चलेगा नहीं, हिलेगा नहीं और वह चलने योग्य नहीं रहेगा। इसी प्रकार हमारे शरीर का जो अंग संचालित नहीं होगा वो गतिहीन हो जाएगा, वो उसके अंदर जंग पकड़ लेगा। इसलिए हमेशा हमें भी चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए और गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए। अतः स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है बच्चों, क्योंकि व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां जो हैं वो स्वस्थ रहती हैं और समय समय पे हमें व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। शरीर की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। किसी अंग, टांग या हाथ को फैलाना या सिकुड़ना, उठाना या गिराना, घुमाना या रोकना, सभी कार्य मांसपेशियों के द्वारा होते हैं बच्चों। जो लोग शारीरिक श्रम अर्थात मजदूरी करते हैं या खेती करते हैं, उन्हें अधिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती। वो मालूम है बच्चों क्यों? क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करना ही एक योगा है, जो उन्हें अलग से योगा करने की आवश्यकता नहीं होती है और वो कभी बीमार भी नहीं पड़ते। धूप हो या बारिश हो या ठंड हो, उन्हें किसी भी चीज़ का कोई परवाह नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। दिन किया गया परिश्रम ही उसके लिए व्यायाम है। जिनका बैठने या लिखने या पढ़ने का काम है, उनको व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो हमेशा एक ही स्थान पे बैठे रहते हैं, जिससे उनके अंग जो है होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। उनको व्यायाम की आवश्यकता होती है बच्चों। जिस प्रकार आप लोग भी क्लास में बैठे रहते हैं तो जब आप उठते हैं तो आपकी जो पैर है वो गतिविधियाँ जो होती हैं कम हो जाती हैं, तो इसलिए हमेशा आपको सुबह और शाम को व्यायाम करना चाहिए। उसकी मांसपेशियों में बैठे रहने से रक्त संचार जो कम हो जाता है और उसकी क्षमता घट जाती है। तो व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं बच्चों। प्रत्येक अंग के लिए अलग अलग व्यायाम होते हैं। दंड लगाना, उठक बैठक करना, बच्चों जो आपके कक्षा में आपको सजा जो मिलती है ना उठक बैठक की, वो भी एक व्यायाम है, जिसे आप बुरा समझते हैं लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और उठक बैठक भी व्यायाम है। मुग्ध घुमाना, वजन उठाना, कुश्ती लड़ना आदि प्राचीन परंपरा के ये व्यायाम है बच्चों। ये बहुत पहले के व्यायाम है जो आज भी सभी लोग करते हैं। और कुछ और अच्छे अच्छे व्यायाम हैं, सभी व्यायाम करने से अलग अलग फायदे होते हैं। नए वैज्ञानिक साधनों का प्रचलन बढ़ जाने से इनका रिवाज अब कम हो गया है, क्योंकि सभी आधुनिक दुनिया में जीना चाहते हैं, इसलिए सभी जो है पुरानी परंपराओं को कम करते जा रहे हैं बच्चों। लेकिन शरीर की समस्त मांसपेशियों के आकर्षण गठन के लिए भारोत्तोलन के अंतर्गत ही अलग अलग व्यायाम हैं। सामूहिक व्यायामों में योगासन, डबल योग चाप, लेजियम, जिम्नास्टिक, मलखम आदि विशेष उल्लेखनीय है। दौड़ना तथा तैरना एक संपूर्ण व्यायाम है बच्चों। दौड़ना सबसे आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आप तो हमेशा ही दौड़ते हैं
और इसमें आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बस तैरना वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये व्यायाम सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप अगर तैरना जानते हैं तो आप कभी भी पानी के वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक संपूर्ण ये व्यायाम है। तैरना किसी अच्छे प्रशिक्षण के द्वारा वैज्ञानिक विधि से बने तरण ताल में ही सीखना चाहिए। हाँ बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी किसी तालाब में नहीं सीखेंगे व्यायाम करना ये तैरने का, आप किसी के सानिध्य में ही ये सीखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आपके पास कोई अच्छा मैदान है तो प्रातःकाल दौड़ना भी बेहतर है, आप वहाँ पे दौड़ेंगे। सड़क की पटरी पर कभी नहीं दौड़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि सड़क पे हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है जिससे आपको डिस्टर्ब होता है और कुछ भी हो सकता है, इसलिए कभी भी सड़क पे नहीं दौड़ना चाहिए। किसी भी मैदान में जहाँ पे खाली स्थान हो, कोई साधन आता जाता ना हो, वहाँ आप दौड़ सकते हैं। यदि इन्हें नियमित रूप से किया जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है, दौड़ने से जो हमारे रक्त संचार है वो तीव्र हो जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। व्यायाम का नियमित होना बहुत आवश्यक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यायाम केवल एक दिन करने से कुछ नहीं होता, आप एक ही व्यायाम करिए लेकिन रोज़ाना करिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कभी कभी किया गया व्यायाम जो है आपको नुकसान करता है, इसलिए हमेशा नित्य और निश्चित समय पे, ये नहीं कि आज किया 8 बजे तो कल करेंगे 9 बजे, इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। समय का ध्यान विशेष रखना चाहिए। ऐसे व्यायाम प्रभाव पड़ता है, यदि छुट्टी वाले दिन 2 घंटे व्यायाम कर ले और अन्य दिन 5 मिनट भी ना करे तो मांसपेशियों में थकान, दर्द, घुटनों में दर्द हो सकती है। इसलिए समय का ध्यान देंगे और जितना रोज़ करते हैं उतना ही हमेशा करेंगे। एक ही प्रकार का भारी व्यायाम अधिक दिन करना भी हानिकारक हो सकता है। जैसे घंटों व्यायाम करने वाले जब लोग व्यायाम छोड़ देते हैं तब उनकी मांसपेशियां लटक जाती हैं और उनका मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो भी व्यायाम करेंगे वो नित्य करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, अन्यथा आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अतः व्यायाम नियमित होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जिन्हें जीवन भर निभाया जा सके। लंबी दौड़, सैर, हल्का भारोत्तोलन, योगासन और व्यायाम केवल आधा घंटा नित्य करके करना चाहिए। ये आदर्श व्यायाम है, क्योंकि ये जीवन भर निभाया जा सकता है। विद्यालयों में खिलाए जाने वाले खेल भी बहुत लाभदायक हैं बच्चों, जैसे कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेलों में केवल व्यायाम ही नहीं होता बल्कि मनोरंजन भी होता है। शरीर की पुष्टि और मन की तुष्टि के साथ साथ खिलाड़ी को सहयोग, साहस, धैर्य, निर्भरता। देखिए आप बच्चों, आप देख सकते हैं फिगर में, सभी बच्चे अलग अलग अपना खेल खेल रहे हैं, जिसकी जिसमें रुचि वो खेल खेल सकते हैं। वीरता, विजगीत्सा आदि संस्कार भी प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इसके लिए अपनी रुचि खेलों में बढ़ाना अति उत्तम है। बच्चों खेलना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।